ओम शांति। मैं पुण्य आत्मा हूँ। एक है दान करना, दूसरा है पुण्य करना। दान से भी पुण्य का महत्व ज्यादा है। पुण्य कर्म निस्वार्थ सेवा भाव का कर्म है। पुण्य कर्म दिखावा नहीं होता है, लेकिन दिल से होता है। पुण्य कर्म अर्थात आवश्यकता के समय किसी आत्मा की सहयोगी बनना, यानी उसके काम आना। पुण्य कर्म करने वाली आत्मा को अनेक आत्माओं की दिल की दुआएं प्राप्त होती है। तो आज हम पुण्य आत्मा का अनुभव करेंगे। हम अनुभव करेंगे कि मैं एक पुण्य आत्मा हूँ। मैं पुण्य करने वाली एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ। साथ ही पुण्य आत्मा की विशेषताएं, गुण व निशानियां हम स्वयं में इमर्ज करेंगे। तो हम शुरू करते हैं मेडिटेशन। अनुभव करेंगे, मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूँ। मस्तक के बीच स्थित एक चमकता सितारा। अनुभव करें, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी। अपने कर्म इंद्रियों की मालिक हूँ। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। देखे अपने आप को, मुझ आत्मा से शांति की किरणें निकल सारे शरीर में फैल रही है। ऊपर मस्तिष्क से लेकर नीचे पैरों तक यह शांति की किरणें फैल चुकी है। जैसे यह स्थूल शरीर पूरी तरह से लोप हो चुका है, बस मैं आत्मा अपने लाइट के शरीर में हूँ। अपने फरिश्ता स्वरूप में मैं एक फरिश्ता हूँ। परमात्मा शिव बाबा का भेजा हुआ एक अवतरित फरिश्ता हूँ। मुझे सिर्फ देना है, मुझे सिर्फ देना है। मैं एक पुण्य आत्मा हूँ। सदा निस्वार्थ सेवा भाव से कर्म करने वाली मैं एक पुण्य आत्मा हूँ। मेरे चेहरे से सदा प्रसन्नता व संतुष्टता की झलक दिखाई देती है। मैं सदा पुण्य करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मनसा वाचा कर्मणा में मैं सदा सबको सुख देती हूँ। मेरे मन में किसी आत्मा के प्रति भी निगेटिव भाव नहीं है। मुझे सबको परमात्मा प्रेम देना है। मैं परमात्मा की संतान हूँ। सबको परमात्मा प्रेम देने के लिए आई हूँ। पुण्य आत्मा अर्थात सदा कोई ना कोई खजाने का महादान कर पुण्य कमाने वाली आत्मा हूँ। सदा ज्ञान रत्न अर्थात सदा अमूल्य बोल हर कर्म में बाप समान चरित्र सदा बाप समान विश्व कल्याणकारी वृत्ति हर सेकेंड हर संकल्प के कल्याणकारी रहम दिल
किरणों द्वारा चारों ओर दुख अशांति के अंधकार को दूर करने वाली। अनुभव करेंगे परमात्मा शिव बाबा परम धाम में। परमात्मा शिव बाबा ज्ञान के सागर, गुणों के सागर, सर्वशक्तिवान फील करेंगे। उनसे दिव्य शक्तियों की किरणें निकल मुझ आत्मा में समाती जा रही है। यह दिव्य शक्तियों की किरणें ज्ञान गुण और शक्तियों से भरपूर यह किरणें अनुभव करेंगे। मैं ज्ञान गुणों और शक्तियों से संपन्न बन चुकी हूँ और धीरे धीरे मुझ फरिश्ते से सारे संसार में यह शक्तियों की किरणें फैल रही है। संसार की सर्व आत्माओं को इन किरणों का अनुभव हो रहा है। ज्ञान गुणों और शक्तियों का यह दिव्य प्रकाश संसार की दुख अशांति व अंधकार को दूर कर रहा है। सभी आत्माएं सुख का अनुभव कर रही है। परमात्मा कहते हैं, तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है ज्ञान सूर्य से शक्तियों की किरणें लेकर सारे संसार को देना है। बाकी सभी सेवाएं निमित्त मात्र है, तो यही हमारा कर्तव्य है। इसी स्थिति में एकाग्र रहेंगे। परमात्मा शिव बाबा से यह दिव्य किरणें निकल मुझ फरिश्ते में समाकर सारे संसार को मिल रही है। मानो हम इस पृथ्वी पर, इस ग्लोब पर स्थित एक अवतरित फरिश्ता है, एक पुण्य आत्मा है। सदा मनसा वाचा और कर्मणा द्वारा पुण्य करने वाली एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ। देखेंगे अपने आप को। यह परमात्मा किरणें संसार में चारों ओर फैल चुकी है। प्रकृति के पांचों तत्व भी इन किरणों को महसूस कर रहे हैं। वे हमें दिल से दुआएं दे रहे हैं। मैं एक पुण्य आत्मा हूँ। मैं लाइट हाउस समान भटकती आत्माओं को मंजिल दिखाने वाली आत्मा हूँ। पुण्यात्मा का संकल्प अति शीतल स्वरूप है, जो विकारों की अग्नि में जली हुई आत्माओं को शीतला बनाने वाली है। पुण्य आत्मा का संकल्प ऐसा श्रेष्ठ शस्त्र है, जो अनेक बंधनों के
परतंत्र आत्मा को स्वतंत्र बनाने वाला है। अनुभव करें, संसार की सभी आत्माएं इन किरणों से बहुत ही शक्तिशाली बन चुकी है। वे सभी दुख, अशांति, विघ्नों व समस्याओं से मुक्त बन चुकी है। वे पूरी तरह से स्वतंत्र बन चुकी है। ओम शांति।